मोदी सरकार का बजट आया है और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कुछ युवा हैं और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे देखते हैं इस बजट को। ये बताइए कि जो बजट आया है कैसे देख रहे हैं युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं? देखिए, बजट में थोड़ा बहुत जो गुंजाइश लग रहा था कि टैक्स स्लैब को लेकर छूट मिलेगा, तो उतना कोई भारी भरकम छूट तो नहीं मिला है, और ना ही युवाओं के दृष्टिकोण से देखें तो नौकरियों का उसमें जिक्र है। जरूर स्टाइफन का कहीं ना कहीं जिक्र किए हैं, पर वो कितना कारगर होता है आने वाले समय में पता चलेगा। 2,00,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है युवाओं को। इसके अलावा जो है 5 साल में जो है 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप कराए जाएंगे, साथ ही जो है 3,000 रुपए देने की बात कही गई है पीएम। पहले भी देखिए, मोदी जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा किया था, पर वो कारगर नहीं हो पाया था। पर अब यही है कि इसके कितना केंद्र सरकार साकार कर पाती है, स्टाइफन का जैसे घोषणा की है और क्या क्या सुविधाएं मूलभूत, वो पूर्ण रूप से जब बजट शाम तक में प्रकाशित होगा तो ज्यादा और डिटेल में समझ आएगा। आर्थिक मदद की बात कही गई है, युवाओं को जो है आर्थिक मदद दी जाएगी। आर्थिक मदद देना अच्छी बात है, लेकिन वो कितना सुगम तरीके से उन युवाओं को मिल पा रहा है ये महत्वपूर्ण है। कई बार युवाएं प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं, वो प्रक्रिया को कैसे वो क्रियान्वित कर पा रहे हैं उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। किसानों की भी बात कही गई है, साथ ही जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 3 करोड़ ज़्यादा मकान बनाने की बात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा बजट है और पॉजिटिव बजट है, और सभी वर्ग को, सभी युवा वर्ग को, सभी देश की जनता को लेके बहुत अच्छा सार्थक बजट है, और आने वाले समय में देश जो है विकास की ओर अग्रसर होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, अगर टैक्स की बात करें तो जो है कई चीज़ों में टैक्स लगाए गए हैं, लेकिन जो है पुराने स्लैब में जो है कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह जो बजट है वो जोड़ तोड़ का बजट है। बजट में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बजट हो। इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार इस बजट से छला गया है, और यह सरकार पूरी जोड़ तोड़ करके इन बजट को लागू किए हैं। अच्छा, बिहार में और आंध्र प्रदेश में जो है पैकेज दिया गया है, इसके अलावा जो है महाराष्ट्र में दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ को कुछ ज़्यादा मिला नहीं है कि कोई नेशनल हाईवे बनाया गया, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट तो कहीं पे भी इस बजट में दिख ही नहीं रहा है। जो मेन इस बजट में होना था कि सरकार को युवाओं के लिए आईटी हब बनाना था। आज इस 10 साल की यह सरकार है, सपने दिखाने वाली सरकार है युवाओं और छात्रों को। इस 10 वर्षों में एक भी देश में कोई नया आईटी हब नहीं बना। आज विश्व में 65% जो आईटी के छात्र हैं वह इस देश के नागरिक हैं, जो बाहर जाके अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन भी नहीं हो पा रहा उनका। लेकिन युवाओं के लिए पैकेज का ऐलान किया गया है 2,00,000 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज, ये सिर्फ जादूगरी है, सिर्फ पेपरों की जादूगरी है, बाकी कुछ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा, साथ ही उन्हें 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। विगत 11 वर्षों से अपन इन चीज़ों को सुन रहे हैं मोदी जी का, रोजगार और युवाओं के बारे में धरातल में तो कुछ दिख नहीं रहा है। उम्मीद थी कि कुछ अच्छा मिलेगा छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल, देखिए हर बार जब बजट आता है तो छत्तीसगढ़ को लेकर उम्मीद रखी जाती, पर इस बार जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी है तो केंद्र सरकार का पूरा फोकस बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चला गया है, क्योंकि उनको अपनी सरकार बनानी। छत्तीसगढ़ को लेकर अगर कुछ विशेष घोषणा करते, कुछ नया एम्स की घोषणा कर देते या आईटी सेक्टर निर्माण की बात कर देते तो जरूर छत्तीसगढ़ के लिए लाभान्वित रहता। क्या लग रहा था कि नया रायपुर जिस तरह से राजधानी तेजी से विकास हो रहा है वहाँ के लिए सरकार कुछ करेगी? करना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया है उन्होंने, किसानों के लिए भी उन्होंने निराश किया है। तो बिल्कुल ये है छत्तीसगढ़ के आम लोग जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए था। पिछली बार के बजट में भी युवाओं के लिए बात कही गई थी लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। साथ ही कहा जा रहा है कि किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और इसके अलावा जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी कुछ और बेहतर सरकार कर सकती थी, लेकिन फिलहाल जो है इस बजट के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों में कुछ खुशी है तो कुछ निराशा देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन होरी लाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज रायपुर। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।